students, welcome back to your e-learning class. Today I am going to teach you lesson 3, Come Back Mr. Sir. Okay, so this lesson is about weather. So it is Sunday morning. Sunday ka din hai, Sunday ka morning hai, and today Mr. Sun, Mr. Sun, he is thinking to have some fun. ओके मिस्टर सन जो है वो सोच रहे हैं कि आज मैं कुछ आनंद करूंगा. दैट मीन्स ही वॉन्ट्स टू रेस्ट, मतलब ही वॉन्ट्स टू थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं. तो इमेजिन अगर मिस्टर सन रेस्ट लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते होंगे. ओके लेट अस रीड द चैप्टर एंड लेट अस हियर व्हाट हैपेंस व्हेन ही फील्स लाइक हैविंग fun and what does he do. Okay, so today Mr. Sun is saying that I don't feel like shining today. I wish to rest. I think I will take a holiday. Mr. Sun bolte hain ki aaj main shine nahi karna chahta hu. Theek hai, Mr. Sun kya bol raha hai, aaj main shine karna nahi chahta hu, mujhe lagta hai aaj mujhe holiday lena chahiye, chutti le lena chahiye. Theek hai, so वो क्या करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है. एंड देन व्हाट ही डज, वो थोड़ा बहुत जो निकल के देखते हैं वो अपना अंदर चले जाते हैं, आसमान के अंदर चले जाते हैं. ओके सो व्हाट हैपेंस व्हेन मिस्टर सन गोज बैक, देन व्हाट हैपेंस, जस्ट इमेजिन अगर सन जो है कभी कभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा बादल में अगर छिप जाता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, टेल मी क्या हो जाता है. इट बिकम्स डार्क, राइट, ये क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है. तो पूरे जगह में, पूरे पृथ्वी में क्या हो गया, पूरे अर्थ में फिर अंधेरा हो गया. तो फिर क्या होता है, जब सूरज निकलता है, जैसे ही मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आप जब उठते हो, जैसे ही सूरज होता है, जब ब्राइट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, सुबह सुबह सारे बर्ड्स, सारे एनिमल्स अपना अपना काम क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, राइट. तो यहाँ पर भी इन दिस लेसन वी कैन सी दैट वहां पर स्क्वायर है. ठीक है, जैसे ही मिस्टर सन बाहर निकलते हैं वो लोग अपने खाने की तलाश में या फिर जो भी उनको काम करना रहता है उसके लिए वो निकल जाते हैं. तो जब वो मिस्टर सन वापस चले जाते हैं, जब व्हेन मिस्टर सन गोज बैक, देन व्हेन इट बिकम्स डार्क, देन एवरीथिंग इज व्हाट, डार्क, सब कुछ डार्क हो गया है. दैट टाइम फॉर स्क्वायरल्स दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड फॉर स्क्वायरल सेज व्हाई इज इट सो डार्क. स्क्वायरल क्या बोलते हैं, स्क्वायरल क्या बोलते हैं, अरे इतना अंधेरा क्यों है, व्हाई इज सो डार्क, वेयर इज मिस्टर सन, मिस्टर सन कहाँ चले गए हैं. सेकंड स्क्वायरल सेज आई फील अफ्रेड, सेकंड स्क्वायरल क्या बोलते हैं, मुझे डर लग रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स गो होम, चलो हम लोग घर वापस चले जाते हैं. एंड बोथ स्क्वायरल रश टू देयर होम, वो अपने घर चले जाते हैं. एंड देन प्लांट्स, प्लांट्स को क्या होता है, वेयर इज मिस्टर सन, नाउ प्लांट्स आर टॉकिंग, प्लांट्स जो है वो अपने में बात कर रहे हैं, अरे मिस्टर सन कहाँ चले गए हैं, आई कैन नॉट मेक फूड विदाउट मिस्टर सन, मैं मिस्टर सन के बिना तो अपना भोजन बना ही नहीं सकता. वो प्लांट्स जो है सनलाइट की मदद से ही क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं ना अपने लिए, एंड देन इट ग्रोज, राइट. लेकिन आज तो मिस्टर सन है ही नहीं, व्हाई, ही हैज टेकन हॉलीडे. तो अभी वो बोल रहे हैं कि आज तो बिना मिस्टर सन के मैं तो खाना ही नहीं बना पाऊंगा, हाँ, तो और फिर मैं कैसे बड़ा होऊंगा, हाउ विल आई ग्रो, मैं कैसे बढ़ूंगा. ओके नाउ पीजन, अब पीजन जो है उसमें पीजन मदर है, वो अपने चिक्स को बोलती है, अपने बच्चों को बोलती है, डियर बेबीज इट इज डार्क आउटसाइड, आई कैन नॉट गेट फूड फॉर यू टूडे. वो पीजन मदर जो है वो अपने बेबीज को बोलती है कि डियर बेबीज, बच्चों आज बहुत अंधेरा है बाहर और मैं आपके लिए फूड लेने के लिए नहीं जा सकती हूँ. ओके सो ऑल द वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन स्टॉप व्हाट एवर दे वर डूइंग, मतलब हर जगह अंधेरा हो गया और बाहर जितने भी मैन विमेन, जितने भी लोग जो भी काम कर रहे थे वो क्या हो गया, उन्होंने स्टॉप कर दिया, दे स्टॉप व्हाट दे वर डूइंग. एंड देयर अ लिटिल गर्ल, वहां पे एक लिटिल गर्ल है, वो
हॉलीडे, आई हैव अ फुटबॉल मैच टुडे। उसका क्या है, आज के दिन उसका क्या है, फुटबॉल मैच है। तो बॉय बोलता है व्हाट विल हैपन नाउ, प्लीज कम बैक मिस्टर सन। वो बात कर रहे हैं किससे, मिस्टर सन से। अब क्या होने वाला है, प्लीज कम बैक मिस्टर सन। वो मिस्टर सन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज कम बैक। एंड देन इट बिकम्स वेरी क्वाइट ऑन अर्थ। देखते हैं ना, जब रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है रात को, तो क्या होता है, एकदम क्या हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, शांत हो जाते हैं ना, सब कुछ शांत हो जाता है। चिड़िया चहचहाना बंद कर देती है, सारे एनिमल्स अपने अपने घरों में क्या करने चले जाते हैं, रेस्ट करने चले जाते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही इस दिन में भी अब मिस्टर सन है नहीं, वो पूरा एकदम क्या हो गया, डार्क हो गया है, और एवरीथिंग हैज कम टू इन क्वाइट एंड एवरीथिंग हैज एवरीथिंग इज क्वाइट एंड काम, सब कुछ शांत हो चुका है। ओके, एंड एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। जो जहां पे जो भी काम कर रहा था उसने अपना काम करना बंद कर दिया है। ओके, सो हाउ एवर, अब ऐसा जब हो गया है तो हाउ एवर मिस्टर स्नो इज वेरी हैप्पी। कौन खुश हो रहा है, मिस्टर स्नो। क्यों, वो क्या बोलता है कि नाउ मिस्टर सन सन कैनॉट मेल्ट मी, आई विल मेक द अर्थ कोल्ड। अगर मिस्टर सन होते हैं तो क्या होता है, वो स्नो को क्या करता है, गला देता है। तो वो स्नो उस दिन बहुत खुश हो गया, ओह मिस्टर सन तो है ही नहीं, मिस्टर सन हैज टेकन हॉलीडे, सो टुडे आई विल मेक होल अर्थ व्हाट कोल्ड। मतलब एकदम मैं सारे अर्थ को ठंडा कर दूंगा, आज तो मिस्टर सन नहीं आएंगे, अगर मिस्टर सन आ गए तो मुझे गला देते, मेल्ट कर देते ना। सो टुडे मिस्टर सन इज नॉट देयर, सो आई विल मेक होल अर्थ व्हाट कोल्ड एंड इट गेट्स वेरी कोल्ड। वो क्या करते हैं, वो अर्थ को एकदम ठंडा करना शुरू कर देते हैं। इट गेट्स वेरी कोल्ड, इट बिगिंस टू स्नो, स्नो जो है स्नो फॉल करना शुरू कर देता है। ओके, द वॉटर इन द पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर्स फ्रीजेस, सब कुछ जो होता है क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। वॉटर वॉटर इन द पॉन्ड्स लेक्स, हाँ एवरीथिंग, हाँ एवरीवेयर ना क्या हो जाता है, वॉटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, एकदम बर्फ बन जाते हैं। ओके, एंड अर्थ, अब अर्थ जो है वो बोलती है ओ डियर आई होप मिस्टर सन कम्स बैक सून। क्यों, क्योंकि हर जगह क्या हो गया है, अर्थ ये सॉरी स्नो हो गया है। ठीक है, स्नो से क्या हो गया, अर्थ पूरा पूरा एकदम ठंडा हो गया है। तो अर्थ क्या बोलता है, ओ आई होप मिस्टर सन कम्स बैक सून। मिस्टर सन भी रिक्वेस्ट करते हैं और आशा करते हैं, कहते हैं कि ओ मैं आशा कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द क्या है ये मिस्टर सन वापस आ जाए, ताकि क्या हो, हमें थोड़ा सा गर्मी मिले, हमें ये जो स्नो है एकदम थोड़ा सा गलने लगे। ठीक है, और उसके बाद में वो रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर सन से प्लीज कम बैक सून। ओके, सो अब थोड़ी देर के बाद में आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, मिस्टर सन लुक्स डाउन टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अर्थ। ना, तो वो मिस्टर सन सोचते हैं ओके टुडे आई एम ऑन लीव, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अर्थ, देखते हैं अर्थ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा सा निकल करके वो देखते हैं एंड ही इज शॉक्ड। क्या होते हैं, वो शॉक हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज एवरीथिंग इज व्हाट, ऑल द अर्थ इज कवर्ड विद स्नो, जितना अर्थ है क्या है, वो स्नो से कवर्ड हो गया है, और पूरी पृथ्वी पूरा अर्थ जो हो गया है वो एकदम ये ठंडा हो गया है। ओके, एंड देन मिस्टर सन सेज ओ एवरीथिंग हैज कम टू अ स्टॉप, आई मस्ट शाइन अगेन। और क्या होता है, क्योंकि मिस्टर सन है नहीं, सब कुछ एकदम काम क्वाइट एंड कोल्ड हो गया है ना, तो क्या बोलते हैं, ओ सब कुछ क्या हो गया है, बंद हो चुका है, सारा काम सब कुछ बंद हो चुका है, ओ आई मस्ट शाइन बैक अगेन। और वो क्या होता है, स्लोली मिस्टर सन कम्स आउट, उसके बाद में वो धीरे से क्या करते हैं, मिस्टर सन वापस आ जाते हैं। ओके, सो मिस्टर सन फील्स, मिस्टर स्नो फील्स हॉट एंड गोज अवे। जब मिस्टर सन वापस आते हैं तो स्नो क्या होता है, उसको गर्माहट होने लगती है, और वो क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, सारे स्नो जो है वो मेल्ट होकर के गल के खत्म हो जाते हैं, और द फ्लावर्स बिगिन टू स्माइल। उसके बाद क्या होते हैं, फ्लावर्स जो है वापस ब्लूम करने लगते हैं।
वन इज हैप्पी नाउ. ओके सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस स्टोरी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.